तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि आप लोगों से बात करूं। एक चीज़ मेरे समझ में आई थी तो मैंने सोचा कि उन तमाम लोगों तक जो मेरे पेज को फॉलो करते हैं उनको भी वो बात मैं समझा दूं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने एक नाम लिखा हुआ है। असल में ये एक नहीं दो नाम है। एक नाम अल्ताफ, दूसरा नाम हुसैन। ये दो नाम का एक मुरक्कब बन के एक नाम बन गया। आज सारी दुनिया नाम से वाकिफ है, सब जानते हैं कि ये कौन शख्स कहाँ रहता है, क्या करता है, सबको मालूम है। बच्चा बच्चा जानता है कि ये करता क्या है। अब देखते ये हैं कि ये दो अल्फाज क्या हैं और इनसे क्या माने अखज करने चाहिए। अल्ताफ, अल्ताफ बुनियादी तौर पे जमा का सीगा है, यानी के प्लूरल नाउन है ये, जो दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्ताफ, और अल्ताफ निकला है लुत से, लाम त्वा और फे, यानी लुत्फ की जमा बन गई अल्ताफ। ठीक, अब लुत्फ के माने क्या है? एक लफ्ज हम सुनते हैं लुत्फो करम, लुत्फो करम। जब भी दो अल्फाज वाव के साथ मिलाए जाते हैं तो वो हम माने होते हैं अक्सर व बेशतर, तो उनको एक साथ अदा करके उस बात की अहमियत का बारे में बताया जा रहा होता है कि वो बात बहुत अहम है। जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फो करम, यानी उनकी इनायत, यानी उनकी लुत्फ इनायत। वाहिद सीगा इनायत, जमा सीगा इनायत। यानी अगर हम लुत्फ की जगह, लुत्फ इज इक्वल टू इनायत कर दें, तो यानी हम यहां इनायत भी लिख सकते हैं। इनायत किसकी? इनायत हुसैन की इनायत। अब हुसैन कौन है? हुसैन वो हैं जिनके लिए बादशाह हिंद ख्वाजा अजमेर फरमा रहे हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। यानी हुसैन शाह भी हैं, बादशाह भी हैं, दीन भी हैं और दीन की पनाह भी हैं। अब अगर एक ऐसा शख्स हमारी जिंदगियों में आ गया है जिसके नाम का मतलब ही ये निकलता है कि हुसैन की इनायत, तो हम किस तरह उसको छोड़ दें? अक्सर लोग मुझसे कहते थे अल्ताफ हुसैन को छोड़ दो, वो गद्दार है। मैं कहता था कि अल्ताफ को तो चलो एक लम्हे के लिए छोड़ दें, लेकिन हुसैन को कैसे छोड़ दें? लेकिन मैंने अल्ताफ पे गौर किया तो मैं समझता हूं कि इन दोनों को ही हम नहीं छोड़ सकते। अगर हुसैन के लुत्फ को छोड़ देंगे तो क्या हुसैन के गजब को मांगेंगे? क्या चाहते हैं हम लोग अपने आप से? क्या हम चाहते हैं कि हुसैन का गजब हम पे नाजिल हो, हुसैन हमसे नाराज हो? क्या हम ये चाहते हैं? क्या हम यजीदी बनना चाहते हैं? हमें खुद गौर करना चाहिए कि हमें किसकी पैरवी करनी है, किसके साथ चलना है, किसको अपना अमीर बनाना है। अगर आज हमने ये सोच लिया, आज हमने ये फैसला कर लिया, तो यकीनन ये स्लोगन जो आप देख रहे हैं, आई एम कराची, मैं कराची, यकीनन ये स्लोगन एक दिन हकीकत हो जाएगी। अगर आज हमने अपने कायद को सही से जान लिया और उसको पहचान के उसको मान लिया, तो ये स्लोगन कल एक हकीकत हो जाएगी कि हम कराची हैं, हमसे कराची है और हमारे अलावा कराची का कोई वारिस नहीं है। हम ही यहाँ का फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में एक तराना सुना था, मुझे बहुत पसंद है, उसके शुरू के बोल आपको सुना देता हूँ कि अपने रहबरे पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं,
तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, अपने रहबर पे रखना यकीन। तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, तेरे जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, तेरे जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम ना भटकोगे रास्ता कहीं, तुम ना भटकोगे रास्ता यकीन। इंशाल्लाह हम कभी रास्ता नहीं भटकेंगे, हमें अपने रहबर पे हर आन हर पल यकीन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।